नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। हमने पिछले वीडियो में हमारे SAP के एजाइल मॉड्यूल में देखा था कि हम ऑर्डर कैसे बनाते हैं, डिलीवरी और PGI कैसे करते हैं। आज हम उन टी कोड्स को एक बार फिर देखेंगे और आज हम सीखेंगे इनवॉइसेस कैसे जनरेट किए जाते हैं। सबसे पहले हम टी कोड्स पर एक बार नज़र डालेंगे, हमारे क्या क्या टी कोड्स थे। VA01 हमने ऑर्डर के लिए यूज़ किया था, VA02 डिस्प्ले और एडिट के लिए यूज़ करते हैं, VL01 हम डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं उसी ऑर्डर नंबर से, आफ्टर हम VL02N यूज़ करते हैं PGI के लिए, और PGI कंप्लीट होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है VF01 इनवॉइसेस क्रिएट। आज हम ये सीखेंगे कि आज हम इनवॉइसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले हम टी कोड्स देखेंगे, उसका टी कोड्स क्या है। उसका टी कोड है VF01। सबसे पहले हम हमारे SAP पे जाएंगे, हमारा टी कोड यूज़ करेंगे VF01 VF01। जो भी हमारा डिलीवरी नंबर होगा या PGI नंबर होगा वो नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ये हमने नंबर वहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया। जैसे ही हम इस नंबर को एंटर करेंगे हमें ये नई स्क्रीन दिखाई देगी। जिस हमने नंबर एंटर किया ये नई हम स्क्रीन हमें शो हुई। अब इसके बाद हम सबसे पहले इनवॉइसेस में इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कि हम कंडीशन चेक करेंगे, मटेरियल चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे। आपने जो भी मटेरियल लिया हो आप वो चेक कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके आप कंडीशन पे चेक करेंगे। कंडीशन पे जो भी आपका अमाउंट आ रहा होगा आप अमाउंट एक बार चेक कर सकते हैं। एडर टैक्स में आप डिटेल्स डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका व्हीकल नंबर्स है, जो भी आपकी डेट है वो डेट आप इंफॉर्मेशन करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आपके पास एक इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप जनरेट होगा नेक्स्ट स्टेप होती है प्रिंट आउट की। तो प्रिंट आउट के लिए हम टी कोड देखेंगे VF02, जिससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हम वापस SAP पे जाएंगे, स्लैश एन करेंगे, स्लैश एन करके बैक जाएंगे। अब टी कोड यूज़ करेंगे VF02। जो हमारा इनवॉइस बना था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिकअप होके आ जाएगा। सबसे पहले हम इस इनवॉइस नंबर को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम गो टू में जाएंगे, गो टू हैडर, हैडर के बाद हम आउटपुट पे जाएंगे। आउटपुट पे जाते ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके PDF कर देंगे। जैसे हम PDF करेंगे हमारे लिए प्रिंट आउट तैयार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, सर्चिंग हो रहा है। जैसे हम देखेंगे हमारा PDF फाइल बन जाएगी तो उसके ऑटोमेटिकली हम प्रिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि VF01 इनवॉइस की प्रोसेस क्या थी, VF02 प्रिंट आउट की प्रोसेस क्या है, कि हमारा SD मॉड्यूल का जो बेसिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार टी कोड्स देखें, यदि आप देखना चाहें तो VF01 ऑर्डर, 02 डिस्प्ले, 01 डिलीवरी, VF02 PGI, VF01 इनवॉइस, VF02 प्रिंट आउट, और एक और टी कोड्स हम होता है वो होता है VF03 फॉर डिस्प्ले, इनवॉइस डिस्प्ले। तो दोस्तों आज हमने इनवॉइसेस की प्रोसेस जानी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, यदि आप कोई वीडियो और चाहिए हो किसी प्रकार की, SAP से रिलेटेड प्रोडक्शन या फिर मीगो, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ई इनवॉइसिंग देखेंगे, जो अभी अभी नई ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है GST वाले इनवॉइसिस के लिए। उसको हम जानेंगे कि उस ई इनवॉइस कैसे बनाते हैं, कैसे क्या उसकी प्रोसेस होती है, कैसे उसे अपलोड किया जाता है और कैसे प्रिंट आउट निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।